दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल वेल्थ केयर एक्सपर्ट में। दोस्तों मैं आपका होस्ट रखविंदर। तो दोस्तों आज मैं आपको जो वीडियो में इसमें बताने जा रहा हूँ, अभी हम खड़े हैं मध्य मार्ग। जी हाँ, अभी हम खड़े हैं चंडीगढ़ के एरिया में। जी हाँ, ये मध्य मार्ग है जो PGI से आ रहा है और न्यू चंडीगढ़ में एंटर करता है। अभी हम जस्ट जो चंडीगढ़ के एरिया में खड़े हैं, और अगर आप सामने देखेंगे तो आपको न्यू चंडीगढ़, ये जो राउंड अबाउट है इसके बाद न्यू चंडीगढ़ शुरू हो जाता है। तो आज हम मैं आपको बताऊंगा कि मध्य मार्ग के ऊपर कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं। जी हाँ, वो सारे के सारे में बाइक आ रहा आपको मध्य मार्ग पे। हम यहाँ से चंडीगढ़ से स्टार्ट करेंगे और न्यू चंडीगढ़ का प्रोजेक्ट का जहाँ पे एंड होता है यानी कि इको सिटी 2 तक, मैं आपको बाइक का इस पूरे रोड की वीडियो बना के दिखाऊंगा। इस रोड पे कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं उनके सारे सभी की को लोकेशन आपको फिजिकली भी दिखाऊंगा, और इसके ऊपर मैप लगा के आपको मैप पे मैं आपको साथ के साथ समझाता रहूंगा। तो चलते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अभी हम नीचे चंडीगढ़ से जस्ट न्यू चंडीगढ़ में हम एंटर ही करने वाले हैं। तो आप सामने देखेंगे ये राउंड अबाउट बन रहा है, ये हमारा मध्य मार्ग से रोड आ रहा है, और इस साइड से जो रोड आ रहा है ये सेक्टर 38 वेस्ट। जी हाँ, 38 वेस्ट का जो रोड है ये दक्षिण मार्ग की एक्सटेंशन है, जो आगे मार्बल मार्केट से होते हुए सीधा फिर मध्य मार्ग एक्सटेंशन पे ज्वाइंट कर जाती है। तो इस राउंड अबाउट के बाद हमारा न्यू चंडीगढ़ स्टार्ट हो जाता है। न्यू चंडीगढ़ स्टार्ट होती है जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है, सेक्टर 1 इस साइड आ जाता है। जी हाँ, सेक्टर 1 में आपको ISIPS सोसाइटी मिलेगी, और मेरे जो लेफ्ट हैंड साइड है ये सेक्टर 2 आ जाता है। यहाँ पे आपको जो क्योरो कंपनी ने, अभी होमलैंड ने इसको टेक ओवर कर लिया है, यहाँ पे मार्केट है, और इसके पीछे ये हाई राइज में फ्लोर्स भी लेके आ रहे हैं, काफ़ी लग्जरी हैं, जो 4 करोड़ के आसपास कॉस्ट करता है। और ये जो बीच में मनोहर सिंह और क्योरो 1 के बीच में लैंड पड़ी है, ये VR1 रोड, जी हाँ, जो वर्टिकल रोड है जो मनोहर सिंह से सीधा स्टेडियम तक जाएगा। उसके बाद ये सेक्टर 3 आ जाता है। जी हाँ, वो 200 फीट रोड के बाद लेफ्ट साइड में हमारा सेक्टर 3 में ये मनोहर सिंह एंड कंपनी का प्रोजेक्ट आ जाता है। जी जी हाँ, अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी से, तो यूनिवर्सिटी से जो एग्जैक्ट जो न्यू चंडीगढ़ स्टार्ट हो जाता है 2.5 किलोमीटर के बाद, और जो मनोहर सिंह की लोकेशन है 2.7 किलोमीटर। यहाँ पे हमारे पास प्लॉटिंग, फ्लोर्स, आपको कमर्शियल बूथ, सब कुछ, बेशॉप, सब सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बाय करने को मिल जाएंगी। इन्वेस्टमेंट के लिए भी काफ़ी अच्छा ऑप्शंस हैं, क्योंकि आपने देखा इसकी लोकेशन सबसे बढ़िया है, मध्य मार्ग एक्सटेंशन है। चंडीगढ़ से न्यू चंडीगढ़ जैसे एंटर करते हैं, सबसे फर्स्ट प्रोजेक्ट क्योरो 1, होमलैंड और ये मनोहर सिंह एंड कंपनी का आता है। यहीं पर आपने देखा होगा कि जुबली ने भी अपने जो लग्जरी फ्लोर हैं लॉन्च किए हैं। जैसे मैंने आपको फेज़ जो सेक्टर 1 है उसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, ISIPS PCS सोसाइटी है मेरे राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पे ISIPS जो ऑफिसर्स थे उन्होंने अपनी सोसाइटी बनाई है, जिसमें जो प्लॉट साइज़ है 500 का, 750 और 1000 स्क्वायर, यानी कि 2 कनाल का रहता है, और इसमें जो ट्रांसफ़र भी होता है वो प्लॉट वो ISIPS PCS को ही होता है। इसमें 2 कैटेगरी और एड की हैं, पायलट और सीनियर रेजिडेंस डॉक्टर हो। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जैसे हम रोड पे जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे रोड बड़ा वाइड है, ये 6 लेन बना हुआ है, 6 लेन प्लस दोनों साइड सर्विस लेनी, यानी कि 8 लाइन हो जाता है। सामने आपको शिवालिक क्रेन देखने को मिल रही होगी, बहुत ही बढ़िया ब्यूटीफुल सा एरिया है। और मेरे लेफ्ट में ये एक ब्रिज आ गया है, ब्रिज क्रॉस करते ही ये जो पुराना गांव था मुल्लापुर, जी हाँ, जिसको हम मुल्लापुर कस्बा, जिसके नाम से मुल्लापुर मास्टर प्लान पड़ा था, बाद में इसको नाम चेंज करके न्यू चंडीगढ़ रख दिया गया है। तो ये रहेगा। और हमारे अगर राइट में देखें तो ये सारा हमेशा ग्रीन एरिया ही रहेगा। यहाँ पे एक डिफेंस का भी एरिया आ जाता है, वो मैं आपको थोड़ा सिक्योरिटी रीजन की वजह से नहीं दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छा है, आप देख रहे होंगे कि रोड क्लीन है, सारा अच्छा, ट्रैफिक नहीं है, और सारे सबसे प्लस पॉइंट है कि आपको जैसे न्यू चंडीगढ़ में आप मध्यम मार्ग के ऊपर अपनी कार ड्राइव करोगे तो आपको एक भी लाइट नहीं मिलेगी। जी हाँ, आपको एक भी लाइट नहीं मिलेगी, सिर्फ ओमैक्स के पास जाकर, अभी वहाँ पे जो ब्रिज की प्रोविज़न चल रही है वहाँ पे है, या बिल्कुल लास्ट जहाँ न्यू चंडीगढ़ ख़त्म हो जाता है वहाँ पे आपको लाइट्स मिलेगी, यानी 2 लाइट्स ही आपको मध्य मार्ग एक्सटेंशन में मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास इको सिटी 1 आ गया है मेरे लेफ्ट में। जैसे हमने मुल्लापुर गाँव क्रॉस किया तो ये इको सिटी, जी हाँ, जो गम्बाड़ा ने डेवलप किया था, इको सिटी 1 का एरिया आ जाता है। यहाँ आप देख रहे होंगे काफ़ी डेवलप हो चुका है। यहाँ पे हमारे पास प्लॉटिंग है, शोरूम है, बोथ है, बूथ रहेंगे। प्लॉटिंग साइज रहेगा 100 स्क्वायर यार्ड, 200 स्क्वायर यार्ड, 300 स्क्वायर यार्ड, 400 स्क्वायर यार्ड, 500, यानी 100 से लेके 500 स्क्वायर यार्ड तक। तो फ्रेंड्स, ये सारा का सारा एरिया पूरा डेवलप हो चुका है। प्राइस अगर आपने इसका जाना चाहते हैं, यहाँ पे आप कुछ बाय करना चाहते हो, तो हमारे जो स्क्रीन पे आपको नंबर शो रहे हैं
आप उन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था इको सिटी वन, और इको सिटी वन के बिल्कुल ऑपोजिट ही हमारी आ जाती है मेडी सिटी। साथ में आपको मैप के ऊपर भी डिफाइन कर रहा हूँ कि अभी हम किस एरिए में हैं, किस लोकेशन पे हैं। तो फ्रेंड्स यानी कि इको सिटी वन के बिल्कुल ऑपोजिट यानी कि मेरे लेफ्ट राइट हैंड साइड आपको मेडी सिटी देखने को मिलेगी। जी हाँ, 400 एकड़ में ये पूरा का पूरा मेडी सिटी ही बन रहा है यहाँ पे। जैसे कि आपको सामने एक बिल्डिंग दिख रही होगी, ये टाटा कैंसर हॉस्पिटल है। जी हाँ, टाटा ने जो बॉम्बे में है उसकी जो सेकेंड ब्रांच है नॉर्थ इंडिया में, यहाँ पे न्यू चंडीगढ़ में ही है, जो ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुकी है। इसके अलावा यहाँ पे गरेवाल आई हॉस्पिटल, पीजी एक्सटेंशन फ्रांस एक है, मैक्स की, यानी कि जितने भी इंडिया के टॉप लीडिंग हॉस्पिटल्स हैं उन सभी ने यहाँ पे लैंड बाय कर रखी है, और उन्होंने अपनी कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट कर दी है। टाटा कैंसर हॉस्पिटल है जो ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये ब्रिज बना हुआ है, यानी कि नीचे से आपको रोड मिलेगा हॉस्पिटल्स मेडिसिटी में जाने के लिए, और लेफ्ट में आपका VR5 आ जाता है और इको सिटी आ जाता है। इको सिटी क्रॉस करते ही हमारा जो एरिया आ जाता है, आपने सामने देखेंगे बिल्कुल ये बड़ी आपको जाना पहचाना सा एरिया लगेगा, क्योंकि न्यू चंडीगढ़ का कोई भी अगर हम वीडियो फोटोज़ देखते हैं नेट पे तो सामने ये वाली बिल्डिंग हमें नज़र आते हैं। जी हाँ, ये ओमैक्स का कमर्शियल है, डाउनटाउन एरिया रहेगा। जी हाँ, ओमैक्स कमर्शियल डाउनटाउन का ये एरिया है। यहाँ पे आपको मॉल्स मिलेगा जो कि बीकन स्ट्रीट के नाम से आ रहा है, फिर होटल होल्डे इन, इंटरनेशनल ट्रेड टावर, इंडिया ट्रेड टावर, और इनकी बैक साइड पे इनका दी लेक करके काफ़ी लग्जरी हाई राइज प्रोजेक्ट है, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। फ्रंट पे ये सारा कमर्शियल मिलेगा। इस कमर्शियल में आपकी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 45 लाख से स्टार्ट हो जाती है, जिसमें आपको 45,000 रुपये पर मंथ आता है, और मैक्सिमम 5 से 6 करोड़ तक आप यहाँ पे कमर्शियल बाय कर सकते हैं। अगर हम रेजिडेंशियल की बात करें तो हमारे पास 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK पेंट हाउस, और उसके अलावा प्लॉटिंग है जो 111 स्क्वेयर यार्ड से स्टार्ट होकर 111, 150, 200, 300, 400, 500 और 2 कनाल यानी कि 1,000 स्क्वेयर यार्ड तक के हमारे पास मैक्स में जो प्लॉटिंग अवेलेबल है। अगर आपको इसके बारे में कोई अधिक जानकारी लेना चाहते हो तो सेम आप हमारे जो स्क्रीन पे नंबर है आप उन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको बताऊं, लेफ्ट में हमारा ओमैक्स का प्रोजेक्ट चल रहा है सारा का सारा, और राइट में हमारा सारा ये रिक्रिएशन जोन रहेगा यानी ग्रीन एरिया रहेगा, PLP एरिया। मैंने आपको बताया था यहाँ पे 2 लाइट्स आती हैं, कॉमैक्स, और ये यहीं से हमारा एयरपोर्ट रोड शुरू हो जाता है। ये हमारा PR7 रोड, जिसको हम VR7 आगे को PR7, इसको एयरपोर्ट, ये एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है सीधा सोहाना गुरुद्वारा अपना खरड़, 122-123 सेक्टर के बीच से होता हुआ ये निकल जाता है सीधा एयरपोर्ट के लिए। और अभी हम सीधा जा रहे हैं मध्य मार्ग पे ही। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मनोहर से क्योरवान आया, फिर मनोहर सिंह, उसके ऑपोजिट था ISPCS, फिर हमने इको सिटी वन देखा, उसके बाद उसके ऑपोजिट थी मेडी सिटी, फिर हमने ओमैक्स का एरिया देखा, ओमैक्स का जो डाउनटाउन है और कमर्शियल, और जैसे ही उसको क्रॉस करके एक ब्रिज आ गया। ब्रिज क्रॉस करते ही अगर आप सामने देखेंगे तो आपको काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नज़र आ रही होंगी। जी हाँ, ये MLS, ये एक सोसाइटी थी, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है, जिसमें MLS पंजाब के जितने भी MLS थे उनके लिए ये जो यहाँ पे फ्लोर्स फ्लैट्स बना के दिए गए हैं। और इस साइड ही हमारे जो इको सिटी टू की कुछ प्लॉटिंग भी आ जाती है। जी हाँ, 2 कनाल की प्लॉटिंग आ जाती है। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे सारा इको सिटी टू का एरिया शुरू हो जाता है। जी हाँ, लेफ्ट में सारा इको सिटी टू है, जहाँ पे आपको प्लॉटिंग और कमर्शियल दोनों, ये भी गवर्नमेंट ने, गमाडा ने ही इसको डेवलप किया है इको सिटी टू को भी। सबसे पहले 2012 में इको सिटी वन को लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने, और 2015-16 में इसको इको सिटी टू को लॉन्च किया था। तो फ्रेंड्स मध्य मार्ग के ऊपर फिलहाल अगर हम बात करें तो यही प्रोजेक्ट आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको मनोहर सिंह बताया, ISPCS सोसाइटी हो गया, क्योरो वन हो गया, होमलैंड, इको सिटी वन हो गया, MLS फ्लैट्स हो गए, इको सिटी टू हो गया। तो ये मध्य मार्ग के ऊपर यही रहेंगे। इसके बाद हमारा बिल्कुल जो लास्ट डेड एंड आ जाता है, यहाँ से न्यू चंडीगढ़ का जो बाउंड्री है ख़त्म हो जाती है। सामने अगर आप लाइट्स देखेंगे तो वहाँ पे एक टी बनती है, जहाँ से एक कुराली को रोड निकल जाता है और एक बद्दी को। जी हाँ, अगर हम लेफ्ट साइड टर्न करेंगे तो हम 18 किलोमीटर बाद कुराली पहुँच जाएंगे, और राइट को टर्न करते हैं तो हमारा बद्दी आ जाता है। जी हाँ, बद्दी भी यहाँ से आपको 18 किलोमीटर ही पड़ेगा। आप देख रहे होंगे सारा रोड्स वगैरह खुले डुले, कोई ज़्यादा लाइट्स नहीं है, ईजी टू अप्रोच है। अगर हम बात करें तो वीडियो देखते देखते 6-7 मिनट की वीडियो होगी, और हमने इसमें न्यू चंडीगढ़ कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये पूरी की पूरी हमने 7 से 8 मिनट में आपको बिना कट किए ये सारी वीडियो बना के दिखाई है। जी हाँ, ये आ गया है टी पॉइंट जिसकी मैं बात कर रहा था।
यहाँ से अगर आप लेफ़्ट में जाएंगे तो आप पहुँच जाएंगे कुराली, और अगर आप राइट में जाएंगे तो आप पहुँच जाएंगे बद्दी। तो फ्रेंड्स, और ये आगे फ्यूचर में ये इसका जो रोड है मध्य मार्ग एक्सटेंशन, ये जो अनंतपुर साहिब के लिए ये रोड आगे कनेक्टेड हो रहा है, ये भी 200 फीट यानी सीधा अनंतपुर साहिब को भी निकल जाएगा। इसकी पास जो गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी जो नोटिफिकेशन हो चुकी है, लैंड एक्विजिशन मार्किंग भी हो चुकी है। बाकी इसकी वीडियो मैं आपको अलग से बना के दिखाऊंगा सारी। अभी हम यू टर्न लेके वापस न्यू चंडीगढ़ की तरफ जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, न्यू चंडीगढ़ के बारे में अगर आप कोई भी और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है न्यू चंडीगढ़ के ऊपर कि न्यू चंडीगढ़ क्या है, कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, क्या क्या प्राइस है। उस वीडियो का लिंक है जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं, या आपको साइड में भी शो हो रही होगी, यहाँ पे क्लिक करके न्यू चंडीगढ़ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेना ले सकते हैं। या फिर अगर आपकी कोई क्वेरी हो, आप कोई इन्वेस्टमेंट लेना करना चाहते हो, या यहाँ पे आपकी कोई ऑलरेडी प्रॉपर्टी है उसको सेल आउट करना चाहते हो, तो आप हमारे जो स्क्रीन पे मेंशन नंबर है आप उन नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी इंफॉर्मेशन की वीडियो मैं आपको बना के आपको आपके लिए पेश करता रहूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों का शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रॉपर्टी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पे सेट करना मत भूलें।